हो गई है, मुखालिफ खड़े हो गए हैं, तरह तरह के जुमले पेश कर रहे हैं कि मर्जी से इत्तेहाद मुस्लिमीन आई है, बीजेपी जीत जाएगी। अरे मेरे भाई, हम किसी को जिताने या हराने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए आए हैं, अपने नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। आओ इस दौर में हम भी होकर इंसाफ की आवाज को बुलंद करते हैं, ताकि हम भी अपने रब के सामने खड़े होकर ये कह सकेंगे कि हमने भी नफरत की आग बुझाने की कोशिश करी थी। उठाओगे आवाज, उठाओगे? दूसरों की गुलामी छोड़ दो मेरे भाई, दूसरों का झंडा उठाना छोड़ दो। कब तक करते रहोगे? हर बार दूसरों को जिताया है, इस बार तुम्हारा अपना आया है मेरे भाई। हर बार दूसरों को जिताया है, एक बार अपनों को भी जिताओ मेरे भाई। दूसरों के झंडे मत उठाओ। कांग्रेस का झंडा उठा के नारे लगाने लगते हो, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथ वाला जीतेगा। वो हाथ वाला नहीं जीत रहा, वो राहुल गांधी जीत रहा है। हाथी का झंडा उठाते हो, वो हाथी वाला नहीं मायावती जीत रही है मेरे भाई, वो एनसीपी वाला नहीं शरद पवार जीत रहा है। और मेरे भाई, कब तक इनकी गुलामी की जंजीरों में बंधे रहोगे? कब तक इनका झंडा उठाओगे? अरे अगर नारा ही लगाना है मेरे भाई, तो नारा लगाओ जो सिद्दीक की सदाकत पर लगता था, उस्मान की सखावत पर लगता था, अली की बहादुरी पर लगता था, और मेरे भाई उमर की अदालत पड़ता था कि जीतेगा भाई जीतेगा। देखो मेरे नौजवानों को समझ में आ गया है मेरे भाई, मैं जो नारा लगा रहा हूं, नारा उनके दौर में लगता था कि जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। मैं नारा लगाता हूं मेरे भाई, आप एक बार बेदारी का सबूत देना और बताना ईमान वाला कौन है। मैं भी आपको बताऊंगा ईमान वाला कौन है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मेरे भाई, क्या राहुल गांधी ईमान वाला? क्या मायावती ईमान वाली? क्या शरद पवार ईमान वाला? क्या सोनिया गांधी ईमान वाली? क्या अखिलेश ईमान वाला? क्या मोदी ईमान वाला? कौन है ईमान वाला? मेरा कायद, मेरा कायद हक और इंसाफ की आवाज उठाने वाला, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है ईमान वाला, अकबरुद्दीन ओवैसी है ईमान वाला मेरे भाई। तो ईमान वालों को जिताओ मेरे भाई, ईमान वालों को जिताओ।